हमारे प्याज ब्राउन होने लगे हैं, आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी। आलू और चिकन की बिरयानी बनाने हैं। प्याज ब्राउन होते जा रहे हैं, ये देखें। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन भी मैंने बना के रख ली है, देखे। टमाटर मैंने इसके अंदर काट दिए हैं, दो बार दो छोटे छोटे मैंने टमाटर ले लिए। और आज हम बिरयानी में हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे, बस यही डालेंगे। तो देखें हमारे प्याज इतने ब्राउन हो गए हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल जले हुए भी नहीं अच्छे लगते। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम इसके अंदर। पानी खुश्क करने के बाद फिर हम चिकन डाल देंगे। पानी जब चिकन का खुश्क हो जाएगा फिर उसके बाद हम डालेंगे मसाले। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा इसका पानी रहता है, अभी इसके अंदर हम चिकन ही डाल देंगे। दोनों का पानी इसका पानी खुश्क करने के बाद फिर निकालेंगे। इतना सा पानी रह गया, अब इसको पानी खुश्क करने के बाद दम दे देंगे। सॉरी यार, स्टीम भी इधर ही आ रही है। पानी खुश्क करने के बाद फिर थोड़ा 10 से 15 मिनट दम दे देंगे हम। इसको दम दे देंगे और हल्की आंच कर देंगे। हम दम दे दिए 10 से 15 मिनट के बाद फिर देखेंगे और हल्की आंच भी कर देते हैं। 5 मिनट हो रहे हैं, यानी कि आलू कभी बुनाई के लिए काफ़ी टाइम से। बुनाई करने के बाद देखें इस तरीके से हमारा कलर बहुत प्यारा आया है चावल। और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पानी। डेढ़ गिलास चावल ही है ना, और 3 गिलास पानी के लिए ये 3 गिलास मैंने पानी के डाल दिए हैं इसके अंदर। अभी इसके अंदर जीरा डाल देंगे। डाल दिए इसके अंदर
और आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाले का, ये देखें आधा चम्मच है। अब तब तक हम चावल धो लें, तब तक उबाइल हो जाएंगे, उबाइल आ जाएगा। देखें हमारे चावल इस तरीके से तैयार हुए हैं, ना बिल्कुल ऑयल ज़्यादा है, ना बिल्कुल जाने के, माशाल्लाह हमारे बहुत प्यारी बिरयानी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई की करना, आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे माशाल्लाह, बहुत प्यारी। आज की वीडियो यहीं तक थी, हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो में हम के कोई अच्छी सी रेसिपी लेके आएंगे।